हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं सामने लेकर आया हूँ DMRC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि वैकेंसी आई हुई है, बहुत लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको करना होगा उसे पॉज कर लेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आइए DMRC के, तो मैं आपके सामने पूरा PDF लेके आया हूँ। तो मैं आगे बढ़ाते चलूंगा, जो भी आपको क्वेश्चन करना होगा उसे आप पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर पॉज करें सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन अच्छी तरह से दिखेगा और टाइम भी मिलेगा आपको सॉल्व करने का। तो अब जो भी क्वेश्चन करेंगे उसे आप सॉल्व कर लेंगे, पॉज कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ाते चलता हूँ। देखिए, आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके आते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर प्रीवियस ईयर पेपर बनाते हैं तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है इतनी जल्दी मिल नहीं पाते हैं। जब ऑनलाइन पेपर होता है, ऑफलाइन में तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत दिक्कत होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने के लिए। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, हमेशा कोशिश करूँगा मैं आगे भी लेके आने के लिए कि प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँ। और मैं बताना चाहूँगा कि सर PDF आपको चाहिए तो PDF डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैंने क्या किया है, कॉम्बाइंड कर दिया है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ऐसे करके हुए थे, 5-6 दिन पेपर हुए थे, तो मैंने कंबाइंड कर दिया है। कंबाइंड करके 18 से 20 शिफ्ट का PDF आपको मिल जाएगा, हो सकता है ज़्यादा का भी हो, 24 शिफ्ट का PDF हो, मतलब 18-20 शिफ्ट का PDF आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ से पूरा PDF मिल जाएगा कंबाइंड, जो आपको आराम से मुझे लगता है कि 22-23 MB का मिलेगा आपको PDF। आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपका अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाए हैं, DMRC में बात कर सकते हैं, DSSP में बात कर सकते हैं, SSC के भी PDF नीचे अवेलेबल हैं, जो भी PDF आपको चाहिए ले सकते हैं। तो सबसे मैंने बात किया जिन्होंने PDF लिया है, उन्होंने कहा कि अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा भी कि पेपर्स का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स से एक आइडिया मिलता है, अभी करंट में क्या क्वेश्चन का लेवल है वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। इसलिए आपसे कहूँगा जरूर प्रीवियस ईयर पेपर बना के जाइएगा एग्जामिनेशन में, PDF नीचे अवेलेबल है। कोशिश करूँगा मैं हमेशा लेके आने के लिए DMRC के पेपर्स। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या पेपर की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जो भी क्वेश्चन करना होगा उसे पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करना होगा उसे सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन अच्छे हैं आपको देखने को मिलेंगे और पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है। अच्छा, मुझे बता दीजिए आप कि अगर आपको कौन सा पेपर चाहिए उस बेसिस पे मैं पेपर भी लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत लोग को मतलब प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव पेपर भी होते हैं, जूनियर इंजीनियर भी है, उसका ST भी है जो सिग्नल टेलीकॉम में आते हैं, चाहे बहुत लोगों ने मास कम्युनिकेशन वाला भी फॉर्म फिलअप किया होगा, किसी ने कुछ और भी फॉर्म किया, स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिलअप किया होगा। तो जैसा आप कहिए कौन सा मैं पेपर लेके आऊँगा DMRC का, तो मुझे कमेंट में नीचे बता दीजिएगा एक बार कि कैसा आपको PDF चाहिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट का PDF, जिसका ज़्यादा मुझे मिलेगा कमेंट में उसका अगली बार पेपर लेके आऊँगा। जैसे आपने बता दिया जूनियर इंजीनियर का पेपर चाहिए मुझे, तो जूनियर इंजीनियर के जितने मैकेनिकल होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, उसमें से कोई भी लेके आऊँगा, या आप मुझसे कह देंगे कि कोई और लेके आने के लिए स्टेनोग्राफर है, चाहे कलर लेवल में जो वैकेंसी आई हुई थी, मतलब DMRC में निकाली गई 12th पर या सॉरी ग्रेजुएशन पर निकाली गई है, सिर्फ ग्रेजुएशन मंगाया जो मास कम्युनिकेशन ऐसा कुछ है, तो उस पर भी आप कहिएगा तो मैं लेके आ जाऊँगा। तो जैसा मुझे कहिएगा तो मैं लेके आऊँगा। अभी जो मेरे पास था मैं आपके सामने लेकर आ गया, और भी मेरे बहुत सारे पड़े हुए लमसम, मेरे पास लमसम 12-13 से अभी करंट PDF थे, मैंने कंबाइंड कर दिया है, कंबाइंड करके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो तो अलग है, जो कि आराम से आपको 23 शिफ्ट है वहाँ पर, तो वो तो आपको मिल जाएंगे, PDF नीचे अवेलेबल है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको अलग अलग PDF इस तरह सॉल्व करना है, रोज़ रोज़ मैं लेके आऊँ आपके सामने, तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा किसका मैं लेके आऊँ, तो उस तरह मैं लेके आ जाऊँगा। आप पेपर देख रहे हैं, पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं इसमें, ठीक है, पेपर का जो लेवल है थोड़ा मॉडरेट है, ऐसा नहीं कह सकते बहुत ही टफ है, लेकिन ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर है थोड़ा ईजी भी है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी हैं, उस लेवल से आपको पढ़ाई करनी होगी अगर पैटर्न आपको वो देखना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। तो यहाँ पर GK भी है और GS भी है, उससे तो रीजनिंग जो है थोड़ा इसमें मैंने देखा इजी है, और GS भी थोड़ा इजी है, मैथ्स के लेवल थोड़े ठीक ठाक हैं। अब देखिए जो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के मतलब आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में, मैं आपसे यही कहूँगा प्रीवियस ईयर बना के जाइए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इसमें पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, समझे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि प्रीवियस ईयर पेपर जरूर बना के जाइए, मैं कोशिश करूँगा आगे भी ले आने के लिए, जितना से ज़्यादा समय मिले मैं आपको जरूर समय लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर पेपर्स। कल मैंने डाला था वीडियो, आप देखा होंगे, नहीं देखे देख लीजिएगा, कल मैंने डाला था CBSE का पेपर होने वाले हैं, तो CBSE के बेसिस पे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया था। जो TCS पेपर लेती है उसका मैंने प्रीवियस ईयर मतलब 2019 में जो पेपर हुआ था अक्टूबर में, उसका मैं पेपर लेके आया था, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा पेपर का लेवल क्या है, उससे भी एक आइडिया मिलेगा आपको TCS का पेपर का लेवल क्या, अगर आपने फॉर्म फिलअप करते हैं जो TCS एग्जाम कंडक्ट कराती है उस बेसिस पे भी आप देख सकते हैं।
तो मैं आप जरूर कहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा आपके सामने प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आते हैं। आप जाइए हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, या आप देखिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स अवेलेबल है वहाँ पर, और वेरियस डिपार्टमेंट, चाहे SSC हो, चाहे NTPC हो, चाहे DSSB हो, चाहे DMRC हो, सबके प्रीवियस ईयर पेपर्स नीचे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, लमसम 50 से भी ज़्यादा मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा है ऐसा, और प्लेलिस्ट में वीडियोस बना बना के रखे हैं। बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स के, स्टेनोग्राफर का भी मिलेगा आपको, बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे, तो आप उससे प्रैक्टिस करके जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो मेरा मेन एम होता है आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाएँ एग्जामिनेशन में, इसलिए हमेशा आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर लेके आते रहता हूँ कहीं से ऑर्गेनाइज करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्हें भी DMRC के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए नीचे अवेलेबल हैं, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो इंग्लिश चल रहा है, और आप पेपर का लेवल देख सकते हैं, पेपर का लेवल क्या है उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मैं आपके सामने हमेशा लेके आते रहता हूँ, और कोशिश करूँगा कि आगे भी लेके आऊँ जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। जो भी क्वेश्चन करना हो उसे पॉज कर लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। देखिए मैं बहुत स्लोली चलाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप में उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। देखता हूँ जब ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो उतने ज़्यादा लोग देखते नहीं है, समय ज़्यादा देते नहीं है, 2 से 3 मिनट देखते हैं बाद चले जाते हैं। आपको अगर पूरे अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर करने हैं तो एटलीस्ट आपको पूरा पेपर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें आप। तो यहाँ पेपर ख़त्म हो रहा है पूरा, तो आपने देखा पेपर का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, और किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जिससे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि ऑनलाइन पेपर्स भी अवेलेबल हैं। तब तक अपना ध्यान रखें।